लेकिन फिलहाल वहां पर नदी ने गेंद को आगे बढ़ाया खतरे को टाला। तो मौके दोनों ही नजर आ रहे हैं, इन अस्तगानी एक मौका वहां पर हो सकता है, लेकिन काफी इंटरेस्टिंग है। दोनों ही टीमों का मूवमेंट जो है काफी खास नजर आ रहा है। तो अभी फिलहाल कबीर के पास बॉल अपने साथ खिलाड़ी सोन तक पहुंचाने की कोशिश थी, लेकिन एक्यूरेसी की कमी और गेंद फिलहाल अभी भी कब्जे में सोनपा के। तो एक बार हेड के जरिए अपने लेफ्ट विंगर की तरफ बॉल को धकेला है यहाँ पर दोनों ने, तारीफ करनी होगी कि डी बॉक्स के इर्द गिर्द आप देखते हैं मैच है काफी इम्पोर्टेंट है हमारे दर्शकों के लिए, क्योंकि सोनपा का जो फैन फॉलोइंग है वो काफी ज्यादा है, क्योंकि ये टीम यहाँ हिस्सा लिया है और अपना परफॉर्मेंस कहाँ तक पहुंचाएगी ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल अभी भी खतरा मर रहा है दोनों टीमों से, सोनपा ने काफी आक्रामक अंदाज में अपनी टीम को उतारा है और किसी भी तरह से गोल करने की कोशिश कर रही है। सुभाष के पारे से गेंद ये निकलता हुआ गेंद साइडलाइन के बाहर की शुरुआत है। तो इतना तेजी इतना जोश और खरोश देखने को मिल रहा है, तो जैसे लगता है कि मिर्चा के खिलाड़ी बाल नंबर है और ये विषय और हमारे जो निर्णायक महोदय अहमद खान रफीज अहमद वो बहुत ही अच्छे निर्णायक बहुत ही अनुभव है इनके पास, और मैं खिलाड़ियों से अनुरोध कर रहा हूँ कि उनके निर्णय को आप चैलेंज ना करें, उनके निर्णय को स्वीकार करें, बहुत ही अनुभवी निर्णायक है रफीज अहमद। और मैं अपने नौजवानों से अपील कर रहा हूँ कि जो भी बाहर से गाँव के जो बड़े बुजुर्ग लोग हैं पुराने हैं उनको जगह दें, उनका सम्मान करें, अगर आप कहीं कुर्सी पर बैठे हैं तो कुर्सी छोड़ करके उनको बैठाएं, ये हमारा तहजीब है, यही हमारा कल्चर है जो हमारे लोगों में बैठता है, तो इसको ध्यान देने की जरूरत है। अगर बाहर से जो भी मेहमान हमारे आए हैं उनका भी कदर करें, उनका भी सम्मान करें। और दोनों टीमें मेहमान टीमें हैं, कहीं से भी कोई इनको दिक्कत न होने पाए, जो भी प्लेयर आए हैं उनको भी कुर्सी दिया जाए, उनको भी सम्मान दिया जाए, उनको भी इज्जत दिया जाए। सोनपा वर्सेस मिर्चा के बीच एक शानदार मैच, सोनपा काफी कोशिश कर रही है सोनपा की बढ़त बनाई जाए, क्योंकि चढ़ के अभी तक सोनपा चढ़ करके खेल रही है और इस कोशिश में है कि ग्राउंड के करीब लोग बैठे हुए हैं, लाइन के करीब बैठे हैं, मैं उनसे ये अनुरोध कर रहा हूं, गुजारिश कर रहा हूं कि आप लोग दूरी बना ले, लाइन से दूर हो जाए, पूरे चैनल की तरफ जो भी लोग बैठे हुए हैं लाइन को छोड़ दें, किसी भी खिलाड़ी को दिक्कत ना होने पाए, आपको चोट भी लग सकती है और ये टूर्नामेंट पूरे गाँव का है, हर एक बच्चे का है, हर एक नफर का है, इस टूर्नामेंट को सकुशल बनाने की अपने आखिरी अंजाम तक पहुंचाने की सबकी जिम्मेदारी है, चाहे वो बच्चा हो चाहे वो बूढ़ा हो, पूरे गांव की जिम्मेदारी है टूर्नामेंट को सफल बनाने की। तो आप लोग लाइन छोड़ दें, सोनपा के कीपर ने अपने पैरों से इस खतरे को टालने की कोशिश किया और ताला दी। सोनपा 22 नंबर के खिलाड़ी भारत विदेशी खिलाड़ी काफी, लेकिन मिर्चा ने उस गेंद को ले लिया, अभी सोनपा के पास और दूर से ट्राई करना चाह रहे थे लेकिन निशाना चुका और गेंद बाहर चली गई। और जो भी कमेटी के लड़के हैं जिनका और दूर से ट्राई करना चाह रहे थे लेकिन अभी तक
ऐसा कोई खतरा नहीं बना पाई है सोनपा की टीम जिससे कोई दिक्कत हो। मौके मिले लेकिन उनकी कोशिशें बेकार हुई, काफी पार उन्होंने मारा लेकिन अभी तक एक ऐसा चीज नहीं, एक ऐसा खतरा नहीं बना पाए जिससे मिर्चा को कोई दिक्कत हो। और इस टूर्नामेंट को कामयाब बनाने में पूरे गांव के हमारे नौजवानों ने जो मेहनत किया है, कोशिश किया है, बार बार मौके मिल रहे हैं सोनपा को। मिर्चा अभी बचाव के मूड में खेल रही है। मिर्चा के खिलाड़ी गेंद को लेकर से बढ़ते हुए 7 नंबर के काफी तेज तरार खिलाड़ी रोहन, मिर्चा के रोहन काफी तेज। तो इस टूर्नामेंट को कामयाब बनाने में अभी तक जहां तक ये मैच पहुंचा है पूरे गांव का सहयोग है, मेरे नौजवानों का सहयोग है, पूरे गांव के नौजवानों ने अपने दिल और दिमाग हर चीज लगा दिया इस टूर्नामेंट को कामयाब बनाने में। तो पूरा गांव इन नौजवानों का शुक्रिया अदा करता है, दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता है। अगर आप लोग रहेंगे, मुत्तहिद रहेंगे तो कोई भी काम नामुमकिन नहीं हो सकता है। आप बड़े बड़े काम कर सकते हैं अगर आप लोग रहेंगे, आप एक दो काम करेंगे। तो देखने को मिल रहा है बाराना सरकारी स्पोर्टिंग ग्राउंड पे कि हमारे नौजवानों की मेहनत जो इतना भीड़ इकट्ठा हुआ है, सबको एंजॉय करने का मौका मिला है, ये हमारे नौजवानों की मेहनत है, लगन है, जिससे ये टूर्नामेंट हम लोग अभी तक यहाँ तक लाकर के खड़ा किए हैं। और इंशाल्लाह ये टूर्नामेंट एक कामयाब टूर्नामेंट घोषित होगा 2021 का, और ये पूरा गांव इतिहास अगर दोहराया जाएगा तो 2021 को भी याद किया जाएगा। सिराज बिन साहब ये हमारा हौसला हुआ कि आप हम लोगों ने इतना बड़ा टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज कराया और इसको सफल। गांव का हर एक नागरिक उसमें हिस्सा लेकर उसको सफल बनाने की कोशिश में लगा है। फिलहाल गेंद अपने पिक पॉइंट पर है क्योंकि सोनपा ने काफी मूवमेंट बनाए हैं यहां पर। और यहां एहतसाम ने कुछ साथी खिलाड़ी लेफ्ट बैक तक पहुंचाया, ड्रिबल किया, सोनू तक पहुंचाया, सोनू अपने लेफ्ट विंगर तक पहुंचाने की कोशिश की। फिलहाल 4 नंबर की जर्सी में सतीश ने गेंद को खड़ा मजानक अंदाज में सोनपा की टीम एक विजेता की तरह खेल रही है, काफी मूवमेंट बना चुकी लेकिन उस मूवमेंट को गोल में तब्दील काफी बेहतरीन किया है और अपने स्किल के लिए जाना भी जाता है, काफी एक्सपीरियंस है। लेकिन फिलहाल सोनपा के पास बॉल, विवेक राय के पास बॉल थी, अपने साथी खिलाड़ी तक पहुंचाया, साथी खिलाड़ी ने प्रांजल तक पहुंचाया, प्रांजल कबीर तक पहुंचाने की कोशिश में और कामयाब नहीं हुए। फिलहाल मिर्चा के डिफेंडर ने गेंद को हवा में ला रहा है और जैसा लग बात प्रसाद रोहित कर रहे हैं, पिछले मैच में प्रसाद और रोहन ने काफी बेहतरीन अंदाज में अपना जौहर दिखाया था और हमारे दर्शकों के दिलों पर अपना नाम छोड़ा था। फिलहाल भोला के पास बॉल, डिबल किया, विवेक को छकाया, अपने साथी खिलाड़ी अरबाज तक पहुंचे, अरबाज अपने साथी खिलाड़ी तक बॉल निकाली लेकिन यहां पर रेफरी की डिसीजन ऑफ साइड में पकड़े गए मिर्चा के प्लेयर। बेहतरीन मोमेंट बन रहा है दोनों टीमों की तरफ से और काफी एग्रेसिव में दोनों टीमें खेल रहे हैं, किसी भी तरह से गोल किया जाए। पहले हाफ का खेल जारी है और मैं शुक्रगुजार हूं हमारे दल भाई का कि आपने अपना कीमती वक्त निकालकर, आप नौकरी में है, यूपी पुलिस में कार्यरत है और छुट्टी निकालना एक बड़ी बात होती है, तो आप एक सारा प्रयास किया था गोल में तब्दील करने का लेकिन फिलहाल बैठने और आप चूके। तो मैं बात कर रहा था अपने दल भाई की, जिन्होंने अपना टीम पूर्वक निकालकर हमारे दरमियान आए हैं हमारा हौसला बढ़ाने के लिए, मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं और इन्होंने अपना पूरा सहयोग इस टूर्नामेंट के लिए दिया है, न्यौछावर किया है, मेरे ग्रामवासियों की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। तो बेहतरीन मुकाबला, फिलहाल गेंद मेरे के पास, कबीर ने अपने कब्जे में लिया, बेहतरीन स्किल दोनों तक पहुंचाई, ये दोनों का कॉम्बिनेशन काफी खतरनाक साबित होने वाला है। फिलहाल अभी के पास बॉल पास करा, नदीम तक पहुंचाया, नदीम ने अपने
राइट बैक तक पहुंचाने की कोशिश की, जब जो तो फिलहाल रोहन ने अपने कब्जे को लेकर गेंद को आगे बढ़ाने की कोशिश कर लगे हैं। गेंद को थोड़ा सा लॉन्ग किया और 12 नंबर की जर्सी में सोनपा का एक प्लेयर गेंद को हवा में लहराता हुआ पार का रास्ता दिखाया। फिलहाल थोड़ा मिलेगा मिर्चा को। तो इस बेहतरीन मुकाबला अभी तक का जो खेल हुआ है, दोनों टीमों को प्लेयरों में वो पोटेंशियल वो एबिलिटी देखने को मिल रही है और दोनों टीमें काफी एनर्जी के साथ इस ग्राउंड पर अपना जोहर दिखा रहे हैं। फिलहाल कभी बोल के पास बॉल घूम रहे हैं, बोलो के साथ बोलो के पास बॉल कभी साथ में है और कभी घूस गिर लेके और हमारे निर्णायक महोदय खुशी गर्मा बहुत ही अनुभवी निर्णायक
और इनकी नजरों से बचना नामुमकिन है। अगर कोई भी खिलाड़ी गलती करता है तो कुर्सी साफ से बचना हमारे मुख्य निर्णायक महोदय से बचना नामुमकिन चीज है। आप बच नहीं सकते उनकी नजरों से। और मैं दर्शकों को बता दूं कि टूर्नामेंट का पहला क्वार्टर फाइनल मैच खेला जा रहा है और अभी तक हमारे दर्शकों का पूरा इसमें सहयोग रहा इस टूर्नामेंट को सफल बनाने में। सुन पावर के बीच आते देख पहला हाफ का मैच लेकिन चुप गए छह नंबर के खिलाड़ी। एक अच्छा मौका बन सकता था मिर्चा के लिए लेकिन फिर भी सीमित कभी और चीज आपने देखा होगा सिखाई दे कि हमारे बच्चे जो हैं वो इनकी भाषाओं को बड़ा पसंद करते हैं। जो विदेशी खिलाड़ी हैं अगर कुछ बोलते हैं तो आप देखो फोटोग्राफी कराई थी उनके साथ कुछ समय बिताया था तो ये बच्चे जो है इनके बड़ा पसंद करते हैं सजावटी। ये हमारे गांव की खासियत है कि मेहमानों का मेहमाननवाजी करना हमारे घरों में है। तो हमारे बच्चे हैं हमारे बुजुर्गों से भी सीखते हैं और इन लोगों का मनोबल और बढ़ाते हैं और उनसे जो लाड प्यार होता है वो करते हैं। तो बेहतरीन नजारा यहाँ पर और मैं बात कर रहा था करुण और यहाँ के बच्चों के काफी फेवरेट हैं काफी अच्छा खेल सिखाते हैं काफी इनके अंदर जो उसकी जो एबिलिटी है अपने टीम को आगे बढ़ाने की। फिलहाल दो टीम के प्लेयर आपस में जब जद्दोजहद करते हुए लेकिन अगर रिजर्वेशन है अभी तक जो है जिनको दर्शकों ने काफी पसंद किया है काफी उनको सम्मान दिया है यहाँ पर उनके खेल के माध्यम से। फिलहाल प्रसाद आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। जिनकी मैं तारीफ कर रहा था पिछले मैच में उन्होंने काफी अच्छी अच्छी मोमेंट को नकार किया था। फिलहाल बोलो रोहन के पास बॉल गेंद को लेकर आगे बढ़ रहे हैं लंबा पास कराने के लिए यहाँ पर सोनपा के प्लेयर ने अपने कब्जे में लेकर गेंद को आगे बढ़ाया। फिर एक बार फिर राशिद के पैरों से निकलता हुआ था लेकिन उनका प्लेयर वहां पर मौजूद रहे काफी जोर था और उसके लिए नहीं नाम की तरह सोनपा के गोलकीपर ने गेंद को अपने कब्जे में लिया अपने साथी प्लेयर प्लेयर तक पहुंचाने को भी लेकिन फिलहाल आगे ने गेंद को अपने कब्जे में लेकर आगे बढ़ाया। यहाँ से प्रशांत को पहुंचाने की कोशिश की थी लेकिन थोड़ी सी अग्रेसिव में कमर में कमी नजर आई और गेंद सीधा आगे की तरह कलेक्ट किया। एक बार फिर आमिर के पास बॉल क्या प्रांजल बॉल उनसे ले पाएंगे या नहीं थोड़े से और यहां पर रेफरी की डिसीजन निकाला 100%
भावना को समझे और एक भाईचारे की मिसाल को पेश करें। और मैं आपके जो हमारे मुख्य अतिथि है अलीम साहब, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपना अतिथि लक्ष्य निकाल कर हमारे लेकिन वहाँ पे फायदा नहीं, फिर से हिट के जरिए आगे बढ़ाने की कोशिश, लेकिन पांडे गेंद को काफी हवा मिला रहा है और कबीर गेंद के नीचे हिट के जरिए अपने साथी खिलाड़ी देर तक पहुंचाने में कामयाबी हासिल करने की कोशिश की। फिलहाल एक काफी फायदा निकल गया, हिट को लेकर आगे बढ़ने की कोशिश, लंबा शॉट बनाना किक का इस्तेमाल किया और फिलहाल गेंद कबीर के पास। धक्का देला सर, इतना चलेगा ना, इतना तो काम है, इधर उधर रही तक लग खेला लगे सारा कुछ ना कुछ कमियों को निकाल करके और इस गेंद को सात नंबर का खिलाड़ी और गोल और ये गेंद बाहर चली गई। काफी मौके मिल रहे हैं मिर्चा को और मैं बता दूं दोनों टीमों के खिलाड़ियों को बता दूं एक बड़ा टूर्नामेंट है जिसमें हम मैच खेल रहे हैं, फाइनल मैच खेल रहे हैं और इस तरह के मौके पर अगर आप दौड़ते हैं तो जो आने वाला वक्त होगा वो दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा आपको, चाहे दोनों टीम में किसी भी टीम को ऐसे मौके अगर कमाते हैं कराई सर मार दाला प्यार को लाइन्समैन को कुछ मांग कर रहे हैं क्या? लाइन्समैन भी बहुत ही लाइन्समैन और ये लोग हैं अच्छे प्लेयर हैं, कहीं नहीं सकता तो कहीं निकाल नहीं सकता और हमारे मुख्य निर्णय फिर भी रहना बहुत ही अभी ही एक मौका है मिर्चा के पास घेर लेना सर दो नंबर के खिलाड़ी सोनपा के प्रो
सुनपा को पेनल्टी सर्कल आउट और पेनल्टी अच्छा प्लेयर के लिए आए हैं कबीर और ये पेनल्टी मरना दिया से खाली पहले बना से छोड़िया से हाफ टाइम है